हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन के इस सीरीज में दूसरे वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है उन पर चर्चा करेंगे। विशेषताएं तो कई हो सकते हैं, तो मुख्य विशेषताएं कितने हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वो 12 पॉइंट है। तो इसमें कुछ पॉइंट इस वीडियो में और कुछ पॉइंट इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि एक वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो चलते हैं इसके पहले विशेषता की ओर। तो पहला विशेषता है कि भारतीय दर्शन में विचारों की स्वतंत्रता है, यानी कि यहाँ पर विचार करने के लिए दार्शनिक स्वतंत्र होते हैं, कोई फिक्स नियम नहीं होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के ब्रांच भी बने हैं। तो ये क्या है, इसका डिटेल्स कैसा है, इस पर बात करते हैं। भारतीय दर्शन की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी दबाव के चिंतन हुआ है। दार्शनिक विद्वान जो हुए हैं वो किसी दबाव के अंतर्गत चिंतन नहीं किए हैं कि इसी तरह का फॉर्मूला खोजना है। उनके मन में जो आया उन्होंने उसी पर गहन चिंतन किया और कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य सामने रखे। इसलिए यहाँ परस्पर विरोधी विचार भी साथ साथ प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का विचार डेवलप किया, यहाँ अलग अलग प्रकार के कंट्रारी जो है, अपोजिट, पूरी तरह से उल्टा विचार वाले भी साथ साथ रहे हैं। हम अगर इस धारा में चलने वाले हैं तो हमारे पड़ोसी जो है उस धारा में चलने वाले हो सकते हैं, और कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई होगी तो वाद विवाद वाला, बहस वाला, ज्ञानार्थ चर्चा वाला होगा, हाथापाई वाला लड़ाई नहीं होगा, किसी को मर्डर करने वाली लड़ाई नहीं होगा, जो आजकल हो गई है अपने विचारधारा किसी पर थोपने की। और इससे क्या होता है कि अगर मान लिया तो अपना, नहीं तो वो दुश्मन। तो ये विचारधारा भारत में नहीं था और ये दर्शन शास्त्र का भी ये उद्देश्य नहीं है, वो विशेषता नहीं। दर्शन शास्त्र का विशेषता ये है कि दो अलग अलग विरोधी विचार के भी व्यक्ति हैं तो भी वो साथ साथ रह सकते हैं भारत में। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के विचारधारा भी यहाँ पर प्रस्तुत हुए और कार्यान्वित भी हुए, वो टिके भी रहे। विरोधी विचारों के को जो है भारतीय दार्शनिकों ने कभी तुच्छ नहीं समझा। अगर हमारा विचार उच्च है, अच्छे क्वालिटी का है, तो सामने वाले विचार जो हैं वो सबसे निकृष्ट क्वालिटी के होंगे, निम्न प्रकार के होंगे, ये कोई नहीं कहता है। वो अपने में विशेष हो सकता है, हम भी विशेष हैं, वो भी विशेष हो सकता है, हम भी जिए औरों को भी जीने दें, ये वाली बात इस विचारधारा में है। इसीलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा, किसी को छोटा नहीं माना, बल्कि अपना पक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व वे विरोधियों द्वारा लगाए गए अथवा लगाए जा सकने वाले आरोपों को अपने सामने रखते थे। कोई भी अगर तथ्य आता था जिसी मनुष्यों के पास में, कोई विचार अपने सामने अगर रिसर्च में आया उनके वैदिक परंपरा में या जिस भी परंपरा के वो फॉलोअर्स हैं, तो वो विचार करते थे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातों को, ताकि कोई हमारा विरोधी हमारे नेगेटिव बातों को, कौन कौन सा नेगेटिव हमारे में है जिसको वो उठा सकते हैं, तो उस पर खुद भी चिंतन कर रहे हैं, अपने तरफ से पहले से आंसर बना के रखे हैं। इतना रिसर्च, गहन चिंतन कि आज की तरह नहीं कि अपना नियम बना दिए अब फिर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होना चाहिए, और तब सुधार कर रहे हैं। जो आरोप कोई और लगाएगा, यही कहा गया है ना कि अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करने के पहले ही, लोगों के सामने रखने से पहले ही, वे पूर्व में ही वे विरोधियों द्वारा कौन कौन से आरोप लगाए जाएंगे या लगाए जा सकेंगे, ऐसे आरोपों का पहले ही अपने सामने कलेक्शन कर लेते थे, और उनका खंडन कैसे होगा, अपना पक्ष उसके सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे मजबूती से, ये भी तैयारी, इसका भी जवाब तैयार कर रखते थे और तब आगे बढ़ते थे। शास्त्रार्थ की भी हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा थी। विचारों में फिर भी अगर किसी को आपत्ति होता था तो शास्त्रार्थ करने के लिए लोग तैयार होते थे कि ठीक है,
फला जगह एक जगह आइए आप मेरे यहाँ या हम आपके यहाँ, और एक जगह जो है बैठकर बात करते हैं। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। किसका पक्ष मजबूत है वहाँ पे सुनने वाले हजारों लोग रहेंगे, विद्वान रहेंगे, निर्णय हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें शास्त्रार्थ में पराजित विचारक, दो विचारक होते थे, दोनों के विचार में शास्त्रार्थ होता था, शास्त्र से चर्चा होती थी वहाँ पर। और जो एक विजयी होंगे और एक पराजित होंगे, तो जो पराजित विचारक होते थे वो विजयी विचारक के दर्शन को, उसके तथ्य को स्वीकार करते थे, उसके चिंतन परंपरा को सहर्ष स्वीकार करते थे, अंगीकार करते थे, जीवन में अपना लेते थे। ऐसे शास्त्रार्थ राज दरबार में भी हुआ करते थे, और विजयी के मतों को स्वयं राजा भी स्वीकार करते थे, तभी तो उसकी मान्यता बढ़ती। यह बात हमें पश्चात दर्शन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। इससे वैचारिक स्वतंत्रता को तो बल मिला ही, वैचारिक विविधता भी भारतीय दर्शन में आई। अगर राजा भी हमारे विचार को स्वीकार कर हमारे पक्ष में आ जाएंगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम उत्तम क्वालिटी का विचार प्रस्तुत करें। और इस तरह से यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुरू से ही दिया गया हुआ है दर्शन शास्त्र में, और इस कारण से विविध प्रकार के विचारों का उदय हुआ। यहाँ पर एक विचारधारा नहीं, कई विचारधाराओं ने यहाँ पर जन्म लिया। सबको फिर एक मौका मिला कि आप भी अपने अपने को आगे लाइए, प्रस्तुत करिए अपने विचार को। तो ये पहला भारतीय दर्शन का विशेषता है कि विचारों की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी विचारधारा यहाँ पर क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, तो वो है मोक्ष का महत्व। भारतीय दर्शन में मोक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मोक्ष का महत्व के लिए कहा गया है कि भारतीय दर्शन की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ दार्शनिक जो चिंतन होता है वो केवल जिज्ञासा की तृप्ति के लिए चिंतन नहीं करता है कि हमारे मन में प्रश्न उठा तो इसका जवाब ढूंढ लिए, इसके लिए सिर्फ चिंतन नहीं करता है, इसको जीवन के उद्देश्य से जोड़ा गया है। और जीव, जगत, ईश्वर आदि की सत्ता पर विचार, वह केवल इनके विषय में अपने अज्ञान को दूर करने के लिए नहीं करता है कि जीव क्या है जान लें, ईश्वर क्या है जान लें, जगत क्या है जान लें, बस इतना ही खोज नहीं है, इतने ही प्यास नहीं है। वस्तुतः इसके द्वारा वह जिस सत्य का साक्षात्कार करता है, यानी कि ऐसा करके वो जो सत्य पाता है उसे जीवन में उतारना भी चाहता है, सिर्फ जानना नहीं उतारना भी चाहता है। हम आजकल क्या करते हैं, कुछ ज्ञान सीखते हैं, मानते नहीं हैं, बोलने के लिए कहते भी तो हैं कि प्रवचन हो रहा है। आजकल प्रवचन होता है, पर का वचन, दूसरे के वचन को बोल देना, मानना बस नहीं है। हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसको खुद हम नहीं मान रहे हैं, ये पद्धति दर्शन का नहीं है। दर्शन उसके लिए जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन मानता है इसको। जो उसे सत्य की जानकारी ही नहीं देता, सत्य की उपलब्धि भी कराता है, जीवन में सत्य को प्राप्त भी कराता है, उपलब्धि भी कराता है। जैसे मृत्यु के उपयुक्त उदाहरण को ही ले, अगर ऊपर में इसके पहले वाले वीडियो में मृत्यु का उदाहरण लिया गया था, तो अगर उसको लेते हैं तो मृत्यु पर चिंतन करने वाला जो दार्शनिक है वह चिंतन यह भी करता है कि किस प्रकार मृत्यु को पार कर अमृत की ओर बढ़ा जाए, यानी कि मृत्यु को कैसे रोका जाए। ये तो मुश्किल है ना, लगता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, सब जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, लेकिन इस पर भी चिंतन और किया जा सकता है कि मृत्यु को भी क्या विजय प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु को रोककर क्या अमर हुआ जा सकता है। तो इन बातों पर आप सोचिए कि ये जीवन में उतारने लायक बातें हैं कि नहीं। अगर हम अमरता का जो वरदान है वो पा सकें, उसका तरीका ढूंढ सकें, तो क्या जीवन में उसको नहीं अपनाएंगे। तो जीवन में अपनाने वाला ये ज्ञान है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है, एक उपनिषद है बृहदारण्यक,
आरण्यक ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के उपनिषद होते हैं। तो ये बृहदा बृहद आरण्यक, इसका बृहत आरण्यक बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें उल्लेख है, इसमें वर्णन है कि यागबल की मुनि, एक मुनि का नाम है यागबल के, जब अपनी पत्नी मैत्रेयी को, उनकी पत्नी मैत्रेयी थी, सभी देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वैदिक काल में हुए हैं वो सभी गृहस्थ आश्रम में थे। ऐसे नहीं कि शादी कर लिए तो वो साधु नहीं हो सकते, वो बाबा जी नहीं हो सकते, वो विद्वान नहीं हो सकते हैं भाई, वो और अच्छे हो सकते हैं। तो याज्ञवल्क मुनि जो है, जब अपनी पत्नी मैत्रेयी को उसके हिस्से का धन देने लगते हैं तो वह पूछती है, उनको जब कहा जाता है कि ये आपके लिए धन है, तो वो उनकी मैत्रेयी जो पत्नी बहुत विद्वान थी वो पूछती है ऋषि से, क्या धन से मैं अमर हो जाऊंगी? ये धन अगर आप हमको देंगे तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? ऋषि द्वारा कहा गया, ना, इससे तुम अमर नहीं हो सकोगी। तो ना कहने पर वह फिर कहती है, तब इसे लेकर मैं क्या करूंगी? ऐसे धन को लेकर मैं क्या करूंगी जिससे मैं अमर ना हो सकूं? मुझे तो आप वही ज्ञान दीजिए जिससे कि अमर हुआ जा सके, अमर जिससे हो, हमको वही धन चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए हमको आपका धन। तो भारतीय दर्शन जो है वो न केवल इस जन्म में आने वाले मृत्यु से, वरन अगले जन्मों में भी अगर हमको आने वाला जन्म अगर कहीं मिले तो वहाँ भी मृत्यु ना हो, यानी मृत्यु हमको कभी ना हो, तो उन सभी मृत्युओं से, यानी भविष्य की मृत्युओं का भी परिकलन आज के डेट में करना, उससे निराकरण कैसे हो, कैसे उसे बचा जाए, उसका उपाय करना, उसका प्रयास करना, ये दर्शन है। इस तरह संपूर्ण जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति पाने का प्रयास करना, यानी किसी भी जन्म में अब मृत्यु होगा तो पहले जन्म होगा ना, तो जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा कैसे हो, इस पर चर्चा करना, इसका आश्वासन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आश्वासन देने के लिए एक टर्म है, एक शब्द है, मोक्ष। तो इस तरह संपूर्ण जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति का आश्वासन देता है, इसे ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का मतलब अब कभी जन्म और फिर मृत्यु ये नहीं होगा, अमर होगा, अमर हो जाएगा कौन? जो मोक्ष को पालेगा। वस्तुतः मोक्ष विषयक चिंतन ही समस्त भारतीय दर्शन की धुरी है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में कोई भी चिंतन अगर किया जाता है तो भले सामान्य घटनाओं से शुरुआत होती है, सामान्य जीवन से शुरू होता है, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वही हो जाता है कि हम मृत्यु के बाद भी कैसे अमर हो सकें, यानी ना मृत्यु हमको आए और फिर जन्म होगा तो फिर मृत्यु की बात होने लगेगी, तो आगे फिर जन्म ही ना हो, ऐसा कब हो सकता है? तो इसके लिए कहा गया कि ये जन्म मरण इस तरह से अगर एक के बाद एक दूसरा आता है तो ऐसे को ना साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं। तो जन्म मरण का चक्र जो है, यानी ये क्रम जो है, चक्र मतलब चक्का ही नहीं, ये क्रम है। जन्म होगा तो उसके बाद मरण होगा, मरण होगा तो फिर उसके बाद जन्म होगा। तो जन्म मरण का ये जो क्रम है, यानी चक्र जो है, साइकिल जो है, इससे छुटकारा मिल जाना, इससे बाहर निकल जाना, उसी को तो मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष का प्रयास करने के लिए दार्शनिक चिंतन किया जाता है, होता है हमारे यहाँ। वस्तुतः मोक्ष विषयक चिंतन ही समस्त भारतीय दर्शन की धुरी है। सभी दर्शन भारत में जितने भी विकसित हुए हैं सबका एक ही उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। सारे भारतीय दर्शन का लक्ष्य जो है वो मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष यानी मुक्ति। एकमात्र चार्वाक दर्शन को छोड़ करके, चार्वाक दर्शन सदैव मुक्ति की बात करती है, मतलब हम जब तक जिंदगी है तभी तक, इसके बाद के जीवन को वो मानता ही नहीं, इसलिए वो मुक्ति की, मोक्ष की बात नहीं करता है। बस एक चार्वाक दर्शन जो है वो भारत में वो मोक्ष को नहीं मानता है। अगर हम इस मोक्ष का महत्व जो हमारे भारत दर्शन में है इसको हम पाश्चात्य दर्शन से तुलना करें तो कैसे कर सकते हैं? तो पश्चिम का दर्शन जिसे हम लोग फिलॉसफी कहते हैं वो पश्चिम का दर्शन है। भारतीय दर्शन से
यहीं पर अंतर रखता है, यहीं पर अलग अलग हो जाता है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में। पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ अलग तरह की बात की गई है, यहाँ पर अलग है। तो मोक्ष पर भी अलग अलग विचारधारा दोनों पंथों का है। फिलॉसफी का उद्देश्य क्या है? तो फिलॉसफी का उद्देश्य है केवल सत्य की खोज करना, बुद्धि द्वारा रहस्य का अनावरण करना, उसका उद्घाटन करना, रहस्य का उद्घाटन करना, जीवन और जगत के संबंध में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, यह फिलॉसफी का उद्देश्य है कि क्या सत्य है इसको जानना। यह बात फिलॉसफी के शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम, फिलोज और सोफिया। फिलोस और सोफिया का मतलब होता है विजडम, लव फॉर विजडम, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी का ये अर्थ होता है। इसके विपरीत भारत का जो दर्शन है वो दर्शन को जीता है, जीवन में उतारता है। यहाँ जीवन जीने की शैली या विधि है भारतीय दर्शन। तो दोनों में बहुत फर्क है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, पाश्चात्य दर्शन, वो सिर्फ माइंड गेम है, वो ज्ञान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए है, ज्ञान पाने के लिए बस है। जबकि भारतीय दर्शन ये जीवन जीने के लिए है, जीवन की शैली में अपनाने के लिए है। किंतु हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि समूचे भारतीय दर्शन पर यह आरोप हम नहीं लगा सकते कि यहाँ दर्शन का लक्ष्य केवल ज्ञान पिपासा को पश्चात दर्शन पर, पश्चात दर्शन में भी जितने विचारक हुए हैं सब पर पूरी तरह से यही आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो सिर्फ ज्ञान का खोज करता है, जीवन में उतारता नहीं है। यानी ज्ञान पिपासा को सिर्फ तृप्त करना चाहता है, ज्ञान के प्यास को बुझाना चाहता है, यह सीधा सीधा आरोप भी हम नहीं लगा सकते हैं, जैसा कि अनेक भारतीय विद्वान प्रायः रट लगाते हैं। ऐसे किसी पर रट नहीं लगाना चाहिए। पूरी तरह से आरोप सत्य निर्धारित नहीं अगर हो तो सबको बदनाम नहीं करने चाहिए। महान यूनानी दार्शनिक हैं सुकरात, तो उन्होंने सद्गुण को जानना ज्ञान का लक्ष्य बताया था कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ज्ञान हमको हो गया तो कैसे, क्या प्राप्त होगा इससे? तो बोला गया सद्गुण। सद्गुण को हम जान लें कि सद्गुण क्या है, सत्य गुण क्या है, ट्रूथ क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, सत्य चीज़ों को, ये तो खोज था ना। तो सत्य चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो दर्शन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यानी दर्शन का लक्ष्य क्या है? तो सुकरात के अनुसार है सद्गुण को जानना, यही ज्ञान का लक्ष्य बताया था उन्होंने। किंतु ज्ञान से उनका तात्पर्य था बौद्धिक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान था सत्य के प्रति आत्मा की आँख का खुलना, कि हमारे ये शरीर की आँख नहीं, आत्मा की जो आँख है, जो हम आँख बंद करते हुए भी किसी चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी चीज़ अनुभव कर सकते हैं, तो वो मन की आँखें हैं। तो यही कहा गया कि सत्य के प्रति आत्मा की आँखों से अगर देखते हैं तो सत्य के प्रति आत्मा की आँखों का खुलना ही वो दर्शन है। तो अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग हुआ। इसी तरह प्लेटो के लिए भी दर्शन शास्त्र आत्मा का परिवर्तन था। प्लेटो का कहना है कि दर्शन शास्त्र आत्मा को परिवर्तित कर देता है। वह कहते थे कि केवल दार्शनिक ही नित्य तथा अपरिवर्तन को समझने में समर्थ है। कोई चीज़ नित्य है यानी कि हमेशा के लिए है, और अपरिवर्तनशील है यानी कभी नहीं बदलने वाला है। ऐसा चीज़ के बारे में अगर कोई समझ सकता है तो वो फिलॉसफर ही हो सकता है। और जो अनेक तथा परिवर्तनशील के प्रदेश से विचरते हैं, यानी कि जो अनेक चीज़ों में विश्वास करते हैं, जो बार बार परिवर्तन पर ध्यान देते हैं, यानी कि वो सभी को मान रहे हैं परिवर्तित चीज़ों को, यानी कि वास्तविक चीज़ों को वो नहीं जान रहे हैं। अगर छोटे छोटे हर चीज़ को हम सही मानते हैं तो इसका मतलब वास्तविक रहस्य क्या है उसको हम नहीं जानते हैं, तो वो दार्शनिक नहीं है। हम लोग वास्तविक दुनिया में, जो अभी व्यवहारिक दुनिया में है, हर चीज़ को सत्य ही मानते हैं, जबकि वो सत्य नहीं होता है। तो ये मोक्ष का महत्व हमारे दर्शन में दिया गया है। तो इन वीडियो में इन दो पॉइंट पर बात की गई। अगले वीडियो में तीसरे और चौथे
और अलग अलग पॉइंट पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में इसी जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।